होमगार्ड के अभ्यर्थियों की 12 वर्षों से शारीरिक जांच प्रक्रिया नहीं कराए जाने को लेकर आमरण अनशन। भर्ती में विलंब होने से आयु सीमा समाप्त होने का अभ्यर्थियों को है भय। प्रशासन द्वारा झूठे आश्वासन देकर गुमराह करने और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया से आशुतोष कुमार वर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार गृह रक्षा वाहिनी पश्चिमी चंपारण के बैनर तले गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थियों ने शारीरिक जांच की कार्रवाई तत्पश्चात नियुक्ति की मांग को लेकर समाहरणालय गेट पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पिछले करीब 12 सालों से लंबित गृह रक्षा वाहिनी नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र ही चालू कर शारीरिक जांच शुरू कर नियुक्ति करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2011 में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों से आवेदन ले लिया गया और उसकी जांच प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, लेकिन आज तक शारीरिक जांच प्रक्रिया नहीं पूरी की जा सकी तथा रोस्टर भी तैयार नहीं किया जा सका, जबकि बिहार के अन्य जिलों में सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए रोस्टर भी तैयार कर लिया गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा वर्ष 2011 से भर्ती कराने हेतु जिलाधिकारी बेतिया और जिला समादेष्टा के कार्यालय का चक्कर लगाया जा रहा है, लेकिन 12 वर्षों के बाद भी भर्ती होगी या नहीं किसी भी अधिकारी के द्वारा ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं अभ्यर्थियों की आयु सीमा समाप्त होने के कगार पर है, जिससे उनमें उदासीनता और आक्रोश भी है। जब 27 फरवरी 2023 को बेतिया बगहा के अभ्यर्थियों द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे तो जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी पश्चिमी चंपारण के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई और अपर समाहर्ता व अनुमंडल पदाधिकारी सदर के द्वारा आश्वासन मिला था कि 15 मार्च से 25 मार्च के बीच जांच परीक्षा हेतु तिथि का प्रकाशन की सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी, पर सिर्फ गुमराह करते हुए कोरा आश्वासन देकर हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार से तत्काल शारीरिक जांच प्रक्रिया के संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। आमरण अनशन पर बैठने वाले अभ्यर्थियों में मनोज कुमार, आदित्य पांडे, बसंती कुमारी, देवनाथ, मृत्युंजय कुमार, संदीप कुमार, सुजीत राय आदि शामिल थे। न्यूज़ 9 टाइम्स। आज गृह रक्षा वाहिनी के जवान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, क्या कारण है, क्या मांगे हैं आप लोगों? सर, हम लोग 12 साल आज हो गया, चारों तरफ सभी अधिकारी के पास गए, कोई हम लोग को सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके पहले हम लोग 27 को बैठे थे, मुझे सर बोले थे कि हम 15 मार्च से 25 मार्च के अंदर में डेट निकाल लेंगे, आप लोग चले जाओ, लेकिन डेट नहीं निकाला गया। हम लोग आज तक कोई सूचना अभी नहीं मिला, इसके चलते हम लोग आज आप अनशन पर बैठे हैं और जब तक हम लोग पेपर में नहीं डेट देखेंगे तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग पेपर में कल डेट देखना चाहते हैं, पेपर का डेट हम लोग को चाहिए, ये तो हम लोग दो दिन तीन दिन का लगता रहे बैठे रहेंगे। आमरण अनशन पर बैठने की क्या वजह है, क्या मांगे हैं जो पूरी आप लोगों की नहीं हो रही है? होमगार्ड की पाली 2011 की है, आज 2023 हो गया, 12 साल हो गया, 12 साल में हम लोग कितना बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हर बार हम लोग को आश्वासन दिया गया इस तारीख होगा, अगला तारीख होगा, अगला महीना होगा, अगला महीना होगा, लेकिन हर बार हम लोग को यही मतलब डेट मिलता गया, लेकिन इसके पीछे कुछ नहीं हुआ है। और सारी जिले की बहाली पूर्ण कर ली गई है, मात्र पश्चिम चंपारण जिला है जिसका अभी तक बहाली नहीं हुई है। क्या कारण है बहाली नहीं हो पा रही है? ये तो डीएम साहब बताएंगे या ऑफिस में बताएंगे। तो क्या अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं अभी अनशन के द्वारा? अब हम लोग का वही है, जब तक डेट नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ये प्रदर्शन करते रहेंगे।